नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा, कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती कि नेहरू हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था, इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे तो हम क्या कर देते। नमस्कार साथियों, कल लोकसभा के पटल पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये कहा स्टेटमेंट कि कश्मीर का जो हालत है उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। मैं जानता हूँ कि अमित शाह ये कोई किताब नहीं पढ़ते, हिस्टोरियन के बुक्स नहीं पढ़ते, जो कोई लोग उनके आरएसएस के लोग उनको लिख के दे देते वो आते और बोल देते। मेरा उनको सलाह है कि आप पढ़िए, इतिहास का जानकारी लीजिए और उसके बाद आप लोकसभा में आया करें। देश आज़ाद हुआ तब ये परिस्थिति अनुकूल नहीं था। आपको समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश एम्पायर ने दो देश बनाया, एक इंडिया एक पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, और प्रिंसली स्टेट थे, 565 प्रिंसली स्टेट थे, उनको ये अधिकार दिया गया था कि आप डिसाइड करिए आपको इंडिया भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। सभी ने अपना अपना साइड चुन लिया, मसला बचा 3 राज्यों के बारे में, एक जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो आज हम बात करेंगे जूनागढ़ के बारे में। तो जूनागढ़ में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू थे और जो नवाब थे वो मुस्लिम थे। जूनागढ़ के राजा ने ये तय किया कि हम ट्रीटी ऑफ एक्सेशन ये हम करेंगे पाकिस्तान के साथ, उन्होंने साइन किया। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑब्जेक्शन लिया, नेहरू जी और पटेल जी ने कहा कि ये नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी जो लोग हैं वो हिंदू है, इसलिए हम वापस जाएंगे और रेफरेंडम करेंगे। और वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल चले जाते हैं, वहाँ पे रेफरेंडम करते हैं और 99% लोगों ने ये चूज़ करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, मतलब भारत के साथ रहना चाहते हैं, और वो मसला ख़त्म हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, और हरि सिंह ने एक स्टैंड लिया कि वो ना इंडिया के साथ जाना चाहते ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते। अब कश्मीर का मसला ऐसा था कि वहाँ के जो लोग हैं वो मुस्लिम थे, राजा वहाँ पे हिंदू था, जैसे जूनागढ़ में राजा नवाब था और लोग जो है हिंदू थे, तो यहाँ पे उल्टा था। और हरि सिंह ना इंडिया के साथ जाना चाहते थे ना पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया के साथ जाते तो नेहरू जी डेमोक्रेसी की बात करते थे, इलेक्शन की बात करते थे, तो वो जानते थे कि मेरे इलाके में मुसलमान ज़्यादा है तो मैं हार जाऊँगा। और पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान में वो मुस्लिम कंट्री है, वो एक देश जो रिलीजन के आधार पे बना था, तो वहाँ पे हिंदू राजा चले जाते तो उनका कोई महत्व नहीं रहता, तो उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया। अब मेरे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को क्या पता नहीं है और क्या उनको मिसगाइड किया जा रहा है मैं नहीं जानता, मगर अमित शाह जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे जो आर्मी थी ब्रिटिश आर्मी काउंसिल चलाती थी, मोहम्मद अली जिन्ना और यहाँ पे नेहरू के हाथ में नहीं थी आर्मी, इसीलिए पाकिस्तान ने अपना एक 10,000 लोगों का कबालियों का ग्रुप बनाया और कश्मीर लिबरेशन या आज़ादी के लिए उन्होंने एक आर्मी तैयार किया और वो लोग कश्मीर में घुस जाते हैं। बहुत सारे लोगों का रेप होता है, बहुत सारे लोगों को मार देते, बारामूला के जगह से वो लोग आते हैं, और तब हरि सिंह को पता चल जाता है कि अब ये कुछ दिन में
श्रीनगर आ जाएंगे और उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो वो नेहरू जी से बात करते और नेहरू जी से कहते कि आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, आर्मी भेज दीजिए। नेहरू जी माउंट लॉर्ड बैटन के पास जाते हैं, उनको कहते कि हमें आर्मी भेजना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी ने इलीगली वहाँ पे कब्जा कर रही है, आर्मी नहीं है कबाली में, और हमें भेजना चाहिए। मगर लॉर्ड माउंटन कहते हैं कि आपके पास जो आर्मी है वो सिर्फ डिफेंस के लिए, आप लोग किसी पे अटैक नहीं कर सकते, और जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर का है वो आपके साथ कोई उनका ट्रीटी नहीं है, और वो लेटर ऑफ एक्सेशन पे साइन भी नहीं किया, तो जब तक वो साइन नहीं करते हम आर्मी नहीं भेजेंगे। उसके बाद वी के मेनन जी चले जाते हैं वहाँ पे साइन कर देते, ऐसा साइन हो जाता है, देन लॉर्ड माउंटन अपने इंडियन आर्मी को वहाँ पे भेज देते और हम ये जो कबाली है उनको खदेड़ने में सफल हो जाते हैं। खदेड़ने के बाद, बहुत पीछे डालने के बाद एक जगह आ जाता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है, एक तरफ से कबाली थे और एक तरफ से इंडियन आर्मी थे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियली जाके कबालियों को मदद करे। पाकिस्तान आर्मी के जनरल उस समय में जनरल फ्रैंक मेसेरी थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके जो बॉस है वो इंडियन आर्मी के जनरल थे, रॉबर्ट लॉकहार्ट, तो वो साफ मना कर देते और कहते कि नहीं, हम पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर नहीं जाएगी, और तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है। और वहाँ पर करीबन ये जंग 1947 से लेकर 1948 एक डेढ़ साल ये जंग चलती है, एक इंच वो पीछे नहीं जा रहे, एक इंच हम आगे नहीं जा रहे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन का सजेशन के ऊपर, लॉर्ड बर्क कहने पे, नेहरू जी यूएन पे चले जाते, क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट ऑफ एसेशन है, उनका कहना था कि प्रिंसली स्टेट ने हमें मान्यता दी है, राजा हरी सिंह ने एग्रीमेंट साइन किया, तो ये ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ आना चाहिए। मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको विरोध कर देते, कहते कि जूनागढ़ में लेटर ऑफ एसोसिएशन होने के बाद आपने वहाँ पे जनमत संग्रह करा के आपने ले लिया, तो ये हम मानेंगे। ये मसला यूएन में जाती है, तो यूएन क्या करती है कि कहती है कि इंडियन और पाकिस्तान आर्मी को कि आप अभी सीज फायर करिए, और जो लाइन जहाँ पे रुक गई थी आर्मी उसी को आज हम लोग LOC कहते हैं, और उसके बाद कंडीशन डालती है कि वहाँ पे दोनों आर्मी, मतलब कबलियों को आप पाकिस्तान के आर्मी को कहना है कि पीछे हटना है और इंडियन आर्मी को भी पीछे हटना है। उसके बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे उनको इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। तो इससे नेहरू जी साफ मना कर देते हैं, उधर मोहम्मद अली जिन्ना भी साफ मना कर देते। नेहरू जी इसलिए मना कर देते क्योंकि हमारे पास लेटर ऑफ एसोसिएशन था, तो जब हमारे पास ऑलरेडी लेटर है तो हम क्यों जनमत संग्रह कराए। पाकिस्तान का ये कहना था क्योंकि वहाँ पे शेख अब्दुल्ला के इन्फ्लुएंस में वहाँ पे जो के जो लोग हैं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी को जेल से बाहर निकाल के वहाँ पे नॉमिनेट गवर्नर प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उनका कहना था कि उनके होते हुए वहाँ पे जनमत संग्रह कराएंगे तो फिर वो इंडिया को फेवर करेंगे, इसलिए साफ मना कर देते। पूरे बातचीत का पूरे टॉपिक पे मैं इसलिए आया कि अमित शाह जी को ये नॉलेज नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि ब्रिटिश आर्मी काउंसिल और ब्रिटिश ऑफिसर्स ही इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी को 1947 से 1949 तक इंडिया में और 51 तक पाकिस्तान में कंट्रोल करते थे, और उन्हीं के जो ऑफिसर्स हैं वो जनरल बनते थे। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई करिए अमित शाह जी, आपको पता नहीं नेहरू जी ने किस परिस्थिति को देश को आज़ादी दिलाई, वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह प्रिंसली स्टेट्स को अंदर लिया। तो लीगली इंडिया का पास राइट है, आज जो POK है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो भी हिंदुस्तान का है, और मैं अब गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर सत्ता में हैं, उन्होंने कब्जा करके रखा है, तो मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप LOC को हटाकर उसको अंदर घुसिए, और ये जो पूरा जो रेड क्लिफ लाइन है, जो ब्रिटिश ने ओरिजिनल जो हमारा एटलस मैप है वो हिसाब से हिंदुस्तान हमें देखना है, तो आप वो करिए और हम आपका साथ दीजिए। धन्यवाद।